हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आइए आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कि हम आपको सिखा ही रहे हैं, आज उसी क्रम में आज का वीडियो लिया है और ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की। इट इज़ अप टू CBSE टू कैंसिल क्लास 12th एग्ज़ाम्स सेज सिसोदिया। तो सिसोदिया ने कहा कि ये CBSE के ऊपर है क्लास 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल कराना। न्यू दिल्ली, आइए न्यूज़ पर चलते हैं। A day after the Central Board of Secondary Education cancelled class 10th exams and postponed class 12th exams, Deputy Chief Minister and Education Minister Manish Sisodia held an interaction with the students and sought suggestions on how the assessment for class 10th student should be held. A day after the Central Board of Secondary Education CBSE के क्लास 10th और के एग्ज़ाम कैंसिल कराने और क्लास 12th के एग्ज़ाम स्थगित कराने के एक दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक संवाद स्टूडेंट्स के साथ हेल्ड किया, स्थापित किया एंड सॉट और मांगे सजेशन, सुझाव कि किस तरह से क्लास 10th के स्टूडेंट्स का असेसमेंट यानी मूल्यांकन शुड बी हेल्ड होना चाहिए। सिसोदिया ने यह भी घोषणा की दैट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, सिसोदिया ने यह भी अनाउंस किया, ये भी घोषणा की कि क्लास 9th और क्लास 11th के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चों विद्यार्थियों के लिए द सेम असेसमेंट क्राइटेरियन इज़ एडोप्टेड बाय CBSE। ये इज़ है तो ऐसा ही सेम मतलब ऐसा ही असेसमेंट, ऐसा ही मूल्यांकन का क्राइटेरिया यानी कि टेस्ट यानी कि जजमेंट, ऐसा ही मूल्यांकन का जजमेंट अडॉप्ट किया जाएगा यानी कि अपनाया जाएगा CBSE विल बी फॉलोड। फिर से देख लीजिए इसे। सिसोदिया ने यह भी अनाउंस किया कि क्लास 9th और क्लास 11th के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए सेम असेसमेंट क्राइटेरिया एज अडॉप्टेड बाय CBSE विल बी फॉलोड। ऐसा ही असेसमेंट क्राइटेरिया जो कि CBSE ने अडॉप्ट किया है, जो कि CBSE ने अपनाया है, वही फॉलो किया जाएगा, वही अनुसरण किया जाएगा। होल्डिंग एंड इंट्रैक्शन ऑन इंस्टाग्राम पर एक संवाद होल्डिंग माने जारी रखते हुए या होल्डिंग माने स्थापित करते हुए सिसोदिया ने कहा आई वॉन्ट टू टेक सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से सजेशंस लेना चाहता हूँ ऑन हाउ द क्लास 10th असेसमेंट शुड बी हेल्ड, कि किस तरह से क्लास 10th का असेसमेंट, क्लास 10th का मूल्यांकन होना चाहिए। While some students suggested, जबकि कुछ student ने सुझाव दिया formally using marks of the midterm, कि midterm के जो छमाई exam के marks को का formula use करते हुए या उसको उसका जो ये आपका मूल्यांकन हुआ है उसका उसको use करते हुए प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल और आंतरिक असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन जो है उसको आधार बनाया जाए। सम अदर सजेस्टेड, कुछ और लोगों ने सजेस्ट करा यूजिंग द प्री बोर्ड मार्क्स के जो मार्क्स आए हैं उनको यूज़ किया जाए। ए फ्यू पार्टिसिपेंट सेड कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्कशीट असेसमेंट, कि ये जो मूल्यांकन होना है ये वर्कशीट दी जाए और वर्कशीट के मूल्यांकन के आधार पर बेस होना चाहिए। आई विल एंश्योर दैट योर सजेशंस आर डिस्कस्ड एंड दे रीच द अथॉरिटीज एट द CBSE। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आई विल एंश्योर, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आपके सजेशन डिस्कस हों और ये मतलब आपके सजेशन पर डिस्कशन हो और ये जो सजेशंस हैं, ये जो सुझाव हैं वो CBSE के अथॉरिटीज़ यानी अधिकारियों के पास पहुँचें। द सेम असेसमेंट क्राइटेरिया विल आल्सो बी फॉलोड फॉर क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, सेड सिसोदिया। सिसोदिया ने कहा कि ऐसा ही असेसमेंट क्राइटेरिया, ऐसा ही मूल्यांकन का क्राइटेरिया, मूल्यांकन का टेस्ट जो है वो अनुसरण करा जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए भी। ड्यूरिंग द 15 मिनट इंट्रैक्शन, 15 मिनट के वार्तालाप या संवाद के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान,
स्टूडेंट स्ट्रेस्ड, स्टूडेंट ने दबाव डाला क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन कैंसिल कराने की तरफ। हैड इट बीन इन माई हैंड्स आई वुड हैव कैंसल्ड क्लास ट्वेल्थ एग्जाम्स एज वेल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हैड इट बीन इन माई हैंड्स, अगर ये मेरे हाथों में होता। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें एक जो है वो इस तरह से बनता है हैड इट बीन करके और फिर आई वुड, यानी कि एक पास्ट इंडेफिनिट में जाता है और दूसरा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हैड इट बीन इन माई हैंड्स, अगर ये मेरे हाथों में होता तो मैं कैंसिल करा देता क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम इसी तरह से। द डिसीज़न इज़ अप टू द CBSE, डिसीज़न जो है, निर्णय जो है वो CBSE के हाथों में है, सिसोदिया ने कहा। द CBSE हैड अर्लियर सेड, CBSE ने पहले कहा था कि इट वुड फॉर्मुलेट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। CBSE पहले ही कह चुकी है कि इट वुड फॉर्मुलेट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन माने एक वस्तुनिष्ठ जो है क्राइटेरियन होगा, एक वस्तुनिष्ठ आपका कहते हैं फॉर्म, ये क्या कहते हैं, कसौटी होगी असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए। तो CBSE पहले ही कह चुका है कि वो फॉर्मुलेट करेगा, वो जारी करेगा, वो तैयार करेगा, फॉर्मुलेट माने तैयार करना, वो तैयार करेगा एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, यानी कि एक वस्तुनिष्ठ कसौटी तैयार करेगा मूल्यांकन की, एक फॉर असेसमेंट, असेसमेंट माने मूल्यांकन, तो मूल्यांकन की एक वस्तुनिष्ठ कसौटी तैयार करेगा क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए। तो ये आपकी न्यूज़ थी, आशा है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सजेस्ट करिएगा और भी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी आपको इसमें पिटफॉल्स दिखाई दिए हों, प्लीज़ ब्रिंग इट टू माई नोटिस ऑन माई नंबर 9149227725। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड गो हैड विद ऑल द वीडियोज़। यू विल बी फाइंडिंग ऑल द वीडियोज़ इन माई प्लेलिस्ट। प्लीज़ हैप्पी लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। बाय बाय।